नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एजेंडा। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर होंगे। इस दरमियान बिहार की राजधानी पटना में लगभग 2 किलोमीटर लंबा उनका एक रोड शो भी होना है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है, इस पर पहली बार रात्रि विश्राम बिहार में नरेंद्र मोदी करेंगे राजभवन में, और उसके बाद अगले दिन हाजीपुर समेत कई जगहों पर वो जनसभाओं को बिहार में संबोधित करेंगे और उसके बाद उनका बिहार दौरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए मोदी पर बहुत तगड़ा हमला कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं लालू, मैं आपको उनके ट्वीट को पढ़ के सुनाता हूँ। लालू ट्वीट करते हुए लिखते हैं, बोला था ना 2014 में चीनी मिल खुलवा देंगे, इसी चीनी मिल के बनी चीनी को चाय पियेंगे, 10 बरस हो गए, क्या हुआ तेरा वादा? जो प्रधानमंत्री अपने वादे अनुसार देश में छोटी सी चीनी मिल नहीं खुलवा सकता हो, जो प्रधानमंत्री विशेष राज्य के दर्जे से लेकर 10 वर्षों में अपने बड़े बड़े आसमानी वादों में से एक भी रत्ती भर भी वादा पूरा न कर सका हो, जो प्रधानमंत्री भरे मंच से अपने ही सहयोगी दल के मुख्यमंत्री द्वारा हाथ जोड़ गिरगिराने पर भी 100 बरस पुरानी एवं ऐतिहासिक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा ना दे सके, ऐसे प्रधानमंत्री रोड क्या, चाहे गली गली घूमकर नुक्कड़ नाटक करे, इससे बिहार को क्या फायदा होगा? बिहारी बुर्वक नहीं है, बिहार के लोग अच्छे से जानते हैं कि बिहार से 40 में से 39 एमपी लेकर बिहार की जगह सब कुछ गुजरात में ही किया और सब निवेश गुजरात ले गए, जबकि लंबे समय से बिहार में एनडीए सरकार है, फिर भी 5 साल बाद चुनाव में बिहार घूमने आते हैं। 3 चरण में बिहार ने सड़क पर ला दिया, बाकी बचे 4 चरणों में गली गली में चक्कर लगवा देगा, ये बिहार है बिहार। तो देखा आपने किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव, जो कि अपने कटाक्ष भरे लहजे के लिए और अपने जो कह सकते हैं अलग अंदाज में बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए मोदी पर सवाल खड़े किए हैं कि जो प्रधानमंत्री ये वादा किया था बिहार से कि बिहार के चीनी मिल चालू करवाकर और उसी चीनी मिल से बने चाय को पीकर बिहार से जाएंगे, वो बिहार आ रहे हैं तो उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। तो वही कई तरह के वादों को लेकर भी लालू प्रसाद ने कहा कि वादे तो बहुत सारे किए लेकिन रत्ती भर भी वादा उनसे पूरा नहीं हुआ। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार है बिहार, यहाँ पर के जो लोग हैं वो 3 चरण यानी कि लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं उनमें से 3 चरण के मतदान हुए हैं। इसको लेकर लालू कह रहे हैं कि 3 चरण के मतदान पर तो नरेंद्र मोदी को बिहार ने सड़क पर ला दिया, आगे वाले चरण में गली गली घूमने पर मजबूर कर देगा। यानी कि जैसे जैसे चुनाव बीतता जा रहा है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो साख है बिहार में घटती हुई झलक रही है, यही कहना चाह रहे हैं लालू। ऐसे तमाम खबरों के जुड़ेगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।